वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ऑक्सीजन जो होता है, हमने गैसेस एक्सचेंज पढ़ा है, उसमें हमने देखा एटमॉस्फेयर से कैसे ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस जाता है एटमॉस्फेयर की तरफ, तो फिर ये हमारे ब्लड में आता है, फिर ये डिफरेंट टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, वो होता है ब्लड की हेल्प से, ब्लड की वजह से ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडीज ऑफ टिश्यूज, तो वही हम आज पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है, अगर हम देखेंगे, रेड कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, ये प्रेजेंट किस में होता है, RBCs में। तो अगर हम देखेंगे 98.5% जो ब्लड जो होता है ये बाउंड होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन से RBCs में। तो अगर हम देखेंगे 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसमें कितना प्रेजेंट होगा, मतलब मैंने ले लिया 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा, होगा कितना प्रेजेंट होगा उसमें, मतलब 20 ml, 100 ml के ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो होता है कितना, 100 ml जो होता है ब्लड, अगर हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ये तो मतलब प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, 100 ml अगर हम ब्लड लेंगे उसमें 20 ml होगा ऑक्सीजन, लेकिन कितना ट्रांसपोर्ट करता है, 100 ml अगर हम ब्लड लेंगे तो वो कितना ट्रांसपोर्ट करेगा, 5 ml करेगा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अगर हम देखेंगे 100 ml ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है, वो होता है 20 ml, ठीक है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं हीम। ये जो हीम जो होता है इसमें 4 एटम्स होते हैं आयरन के, तो ये जो 4 एटम होते हैं आयरन के, यही क्या करते हैं, यही बाइंड करते हैं 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है, अगर एक हीमोग्लोबिन होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करेगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाएगा एक साइड से दूसरे, 3 और 4, ठीक है ना, जब ये बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना, मतलब ये वापस भी मतलब रिवर्सिबल होता है, ये फिर वापस बनेगा हीमोग्लोबिन को छोड़ के, जब ये ट्रांसपोर्ट करता है तो फिर ये मतलब फिर ये सिंगल हीमोग्लोबिन भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो रिएक्शन जो होते हैं हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज़ में, फिर ये वापस हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से हीमोग्लोबिन बनेगा। तो अगर हम देखेंगे 98% जो ऑक्सीजन बाउंड होता है हीमोग्लोबिन में, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RBCs के अंदर प्रेजेंट होता है। सिर्फ 1.5% जो होता है जो डिफ्यूज़ होता है हमारी डिफरेंट ब्लड कैपिलरी से टिश्यूज़ में, मतलब ब्लड कैपिलरी से आएगा पहले ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से, फिर ये डिफरेंट टिश्यूज़ में चला जाएगा, तो वो कितना होगा, 1.5%, सिर्फ 1.5%। तो ये जो बाइंड होता है ना इस हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा तब ये मतलब हमारे टिश्यूज़ में पहुंचाएगा ऑक्सीजन, चाहे वो हमारी ब्रेन हो, चाहे वो हमारी किडनी हो, हार्ट हो, तो वहाँ पर ये ऑक्सीजन को पहुँचाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स पहुँचाएगा ऑक्सीजन को। तो इसका जो बाइंड होना है ना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ, बहुत सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्यों बाइंड होता है, इसके लिए मतलब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम 2-3 फैक्टर्स उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है पार्शल प्रेशर। तो पार्शल प्रेशर क्या करता है, ये मतलब ये पार्शल प्रेशर रेस्पॉन्सिबल क्यों होता है, इस जो ऑक्सी यहाँ पे हमने बताया था ना, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, ये इसके लिए कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा एक मतलब ऑक्सीजन का, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा जो हीमोग्लोबिन होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है ये कम्प्लीटली बनाएगा पूरा जो है ना, कम्प्लीटली ये मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका मतलब कम्प्लीटली मतलब क्या होता है, ये आयरन
आयरन है इसमें पूरे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे मतलब पूरा जो इसकी जगह जो होती है वो फुल हो जाएगा। तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फुली सैचुरेशन, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे कोई भी कभी क्या होता है, मतलब ऐसा मिक्सचर हो जिसमें हीमोग्लोबिन भी होगा और साथ में हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन के साथ साथ क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड। ये याद रखना, उसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। पार्शियली सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी होगा, तो उसको बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड। सपोज मेरे पास आयरन है, इसमें सिर्फ दो ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दो ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 50% सेचुरेशन, मतलब आधा ही ये सेचुरेटेड हो गया। अगर पूरे आएंगे तो फुली सेचुरेटेड होगा, ठीक है ना। ये जो रिलेशनशिप जो होती है, अगर हम ये जो परसेंट ऑफ सेचुरेशन कितना इसमें ऑक्सीजन आएगा, और इसको हम मतलब इलस्ट्रेट करेंगे एक करो के साथ, मतलब एक साइड हम क्या ले लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे साइड में हम क्या लेंगे परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन, कितना मतलब अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो कितनी ऑक्सीजन इसमें मतलब बाइंड हो जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये जो कर्व जो होता है, ये ग्राफ, एक साइड हम पार्शियल प्रेशर लेंगे mm मिलीमीटर ऑफ मर्करी, दूसरे साइड हम परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये साइड हम बढ़ाएंगे पार्शियल प्रेशर, जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ाएगा उतना जो होता है, ये जो होता है परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन भी बढ़ जाती है, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना, 10 तक, ये ऐसे 20, ठीक है ना, इसी तरीके से 30 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा तो इतना ये भी होगा परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक कर्व बनती है, इस जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं एक कर्व बनती है, ठीक है ना। ये कर्व जो होता है ये बिल्कुल एस शेप्ड कर्व होता है, एस शेप्ड कर्व होते हैं, या इस कर्व को बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो हीमोग्लोबिन जो होता है इसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, तो ऑक्सीजन तभी बाइंड हो जाएगा जब पार्शियल प्रेशर मतलब हाई रहेगा। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर हाई रहेगा उतना क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। और भी फैक्टर्स हैं जो इसको, जो हीमोग्लोबिन जो होता है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए और कुछ और फैक्टर्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे, और कौन से फैक्टर्स होंगे और किस तरीके से वो हेल्प कर देते हैं इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने, तो वो जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।